Hello everyone. Today we will be discussing about the 30 most important question for commerce paper of UGC NTA NET. So question number 1 is productivity of newly employed workers were not good as compared with the productivity of earlier workers. Can you explain which of the management function are not done properly here? अगर ये कह रहा है कि जो newly employed workers हैं उनकी productivity at par नहीं है with the productivity of earlier workers, इसका मतलब ये होता है कि उनको training and development नहीं दिया गया है। अगर उनकी ट्रेनिंग हुई होती उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन किसके अंदर आता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन आता है स्टाफिंग फंक्शन के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है हमें कुछ अकाउंटिंग रेशियोज गिवन है और हमें उस रेशियो को उनके फंक्शन के साथ रिलेट करना है। लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर हम अपनी डेब्ट ऑब्लिगेशन को इंस्टेंटली पे कर पा रहे हैं तो हमारे लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू पे डेब्ट। सेकेंड है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का मतलब होता है एफिशियंट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल असेट्स। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? सी। थर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी असेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास उससे हम कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा टू जनरेट असेटेबल रेट ऑफ रिटर्न यूजिंग द फर्म असेट्स एंड कंट्रोल ऑफ इट्स एक्सपेंसेस। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। लीवरेज रेशियो का मतलब होता है एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेब्ट। लीवरेज का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म। बी के साथ मैच होगा वो। तो फर्स्ट का है ए। हम इसके अंदर देख लेते हैं आंसर किसके साथ मैच कर रहे हैं। फर्स्ट का ए है तो फर्स्ट का ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि हमारे पास सी आंसर तो नहीं होगा। सेकंड एक्टिविटी रेशियो का आंसर है सी। सी आंसर ए में भी है और डी में भी है तो बी नहीं है। थर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसका आंसर है डी, तो इस ये डी में है तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा डी। यहाँ पे ए भी कट गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल कर्व इज अ, नॉर्मल कर्व एक मेसोकर्टिक कर्व होता है। लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड प्लेटोकर्टिक कर्व हम देख लेते हैं और पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व भी क्या होता है उसको भी हम देखेंगे। देखिए ये एक कर्व है, नॉर्मल कर्व कुछ ऐसा दिखता है। अगर ये लेप्टोकर्टिक होगा, लेप्टो मीन्स मोर पिग, मतलब कि ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ये लेप्टोकर्टिक है। अब प्लेटोकर्टिक होता है मेसोकर्टिक से थोड़ा सा छोटा, यानी कि ये इस टाइप का दिखेगा कुछ, ये प्लेटो है और ये मेसो है। और पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होता है कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा नॉर्मल कर्व का? मेसोकर्टिक कर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्राइजेस ऑफ। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है तो उसमें जो हमारी कॉस्ट लगेगी। तो देखिए रॉ मटेरियल तो हमारे पास है तो यानी कि डायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा, उसको कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर जो कॉस्ट आएगी तो इसमें डायरेक्ट लेबर आएगा और फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, ये आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं आएगा, ये ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 और 3 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम एग्जम्पशन प्रोवाइडेड अंडर ग्रेच्युटी इज। तो मैक्सिमम एग्जम्पशन कितनी प्रोवाइडेड है? 20 लाख। और ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है। करंटली डिडक्शन प्रोवाइडेड ऑन रॉयल्टी इनकम कवर्ड अंडर सेक्शन 80QQB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज। तो इसके अंदर कितनी एग्जम्पशन प्रोवाइडेड की गई है? अगर हमारे पास कोई रॉयल्टी इनकम है तो 3 लाख तक की इनकम को एग्जम्पशन दी गई है। तो इसके अंदर दो कंडीशंस हैं। कंडीशन 1 है कि 3 लाख और एक्चुअल इनकम विच एवर इज लेस। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारा 80QQB के अंडर एग्जम्प्ट है इनकम, रॉयल्टी इनकम। नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर कॉम्प्लीमेंट्री गुड विल बी। तो उसमें उसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं कि जिन भी दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, प्रिंटर एंड कार्ट्रिज। अब देखिए प्रिंटर एंड कार्ट्रिज एक साथ यूज किया जाता है, अगर प्रिंटर का प्राइस बढ़ेगा तो कार्ट्रिज की डिमांड घट जाएगी। तो अगर प्रिंटर का प्राइस बढ़ रहा है तो कार्ट्रिज की डिमांड कम हो रही है, तो इसमें एक नेगेटिव रिलेशन है और ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव। तो क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है, मतलब कि क्रॉस का मतलब होता है कि अगर एक गुड्स के प्राइस में चेंज आता है तो दूसरे गुड्स की डिमांड में क्या चेंज आएगा, ये क्रॉस इलास्टिसिटी में कवर्ड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन चेंजेस इन द वर्ल्ड कैपिटल मार्केट अकर्स एंड इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द पर्टिकुलर स्टॉक ऑल्सो द सेंसिटिविटी ऑफ एनी स्टॉक टू चेंजेस इन द मार्केट इज मेजर्ड बाय। अगर हमारा पूरे निफ्टी के अंदर चेंज आ रहा है तो निफ्टी के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, निफ्टी के अंदर 50 लिस्टेड कंपनीज हैं, तो उसके पर्टिकुलर स्टॉक में जो चेंज आएगा उसको कैसे मेजर किया जाएगा? तो उसको बीटा से मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थ्योरी सजेस्टेड दैट
the pattern of international trade should be determined by the factor endowment. अब factor endowment theory किसने दी थी? Hexler Ohlin ने दी थी. Which among the following is the oldest form of organization? Oldest form है line organization. According to RTI Act 2005, the information should be provided within. तो 30 days के within information provide कर देनी चाहिए. George Elton Mayo conducted Hawthorne experiment in which illumination experiment was one of them. What were the conclusion of the illumination experiment? Conclusion क्या था उसका? Productivity is significantly affected by the lighting levels. Productivity significantly affect हो रही थी lighting level से? नहीं. Productivity is significantly affected by the वर्क बिहेवियर, ये भी नहीं था. प्रोडक्टिविटी हैज नो कोरिलेशन विद लाइटिंग लेवल्स, यस. लाइटिंग लेवल्स हैज नो इफेक्ट ऑन वर्कर्स बिहेवियर, ये भी नहीं है. तो इसका आंसर क्या होगा? सी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्राइसिंग डिसीजंस आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स? तो इसके अंदर आंसर आएगा मैच्योरिटी. मैच्योरिटी के अंदर प्राइसिंग डिसीजन जो होते हैं पीएलसी के, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा हम प्राइसिंग रखें, क्योंकि यहाँ पे कंपेटिटर्स बहुत एंटर कर जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? अगर हम ऑपरेट करें या ना करें, हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. तो वो है इंटरेस्ट ऑन लोन. देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर की हम सैलरी नहीं देंगे अगर हम ऑपरेट कर ही नहीं रहे, तो हम हायर ही नहीं करेंगे उन्हें. डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा अगर हम कोई गुड्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं. तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी हमें नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम ऑपरेट करें या ना करें, अगर हमने लोन ले रखा है, तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा उस. डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियट वेंडर मींस, कैवियट वेंडर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर. अगर यहाँ पे कैवियट एम्प्टर लिखा होता, तो उसका आंसर होता लेट द बायर बी अवेयर. Mutually exclusive project can be more accurately ranked as per, तो इसको NPV basis पे ज्यादा अच्छे से ranking की जा सकती है अगर mutually exclusive project है तो. अगला देखते हैं. The MNC that maintains some balance between the home market and the host market oriented policy are, तो वो आएगा हमारा क्या? Geocentric. इसको समझ लेते हैं जरा. Ethnocentric का मतलब ये है कि हमारी जो home country है, हम वहीं production करेंगे और वहीं की strategy पूरे world में apply करेंगे. हम लोकल मार्केट को अडॉप्ट नहीं करेंगे. पॉलीसेंट्रिक का मतलब होता है कि हम पूरा ही लोकली अडॉप्ट कर लेते हैं. हम होम मार्केट को नहीं देखते, हम सारे जहां जहां ऑपरेट करेंगे वहां वहां लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे. और जियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि हम होम मार्केट और होस्ट मार्केट दोनों में बैलेंस मेंटेन करेंगे. तो इसका आंसर क्या होगा? बैलेंस मेंटेन करने का, जियोसेंट्रिक फॉर्म. अगला है, द मेजर प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेन्ड इन, तो जो मेजर सेफ्टी प्रोविजंस हैं वो फैक्ट्री एक्ट में अंदर गिवन है. द मेन फीचर्स ऑफ ट्रिम्स आर, ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन कैपिटल आर इम्पोज्ड, तो ट्रिम्स के अंदर फॉरेन कैपिटल पे कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है. नो रेस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड ऑन एनी एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस. रेस्ट्रिक्शन ऑन रिपेट्रिएशन ऑफ डिविडेंड इज एलिमिनेटेड, यस. इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज अलाउड फ्रीली, यस. नो लिमिट ऑन द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यस. तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 and 5. इफ द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस इन कॉल ऑप्शन, इट इज रिफर्ड टू एज, तो इसका आंसर क्या होगा? इन द मनी ऑप्शन. इसको जरा समझ लीजिए. अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस, तो ये होता है इन द मनी. अगर सिमिलरली स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, तो ये आउट द मनी. और अगर स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस, तो ये एट द मनी. तो इसका आंसर देखिए क्या कह रहा है. स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस जो है वो हायर है स्ट्राइक प्राइस से, तो इन द मनी आ जाएगा. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी अप्लाइड ऑन ऑर्डिनल स्केल डाटा. ऑर्डिनल पे हमारा काई स्क्वायर लगता है, क्रूसल वॉलिस लगता है, विल्सकॉम मैन वाइटनी टेस्ट लगता है. तो इसका आंसर आएगा 1, 3 and 4. जेट टेस्ट क्वांटिटेटिव डेटा पे लगता है. तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 3, 4 है सी. अगला, फुल डिटेल्स ऑफ एडीआर बाय एन इंडियन कंपनी मस्ट बी फर्निश्ड विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स क्लोजर टू, किसको देना है? आरबीआई को. देखिए, कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन होती है, अगर हम बाहर से पैसा रेज कर रहे हैं, तो सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है हमें आरबीआई के पास. तो अगर आप एडीआर इश्यू कर रहे हैं अमेरिकन मार्केट के अंदर, तो वहां से जितना भी पैसा रेज होगा, तो उसको आरबीआई को डिस्क्लोज करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर. अगला, मैच द फॉलोइंग, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है. तो इसको सिंपली समझ लेते हैं जरा. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो वो वैलिड होते हैं और बाद में वो किसी अनफॉरेसीन कंटिंजेंसी की वजह से वो अनइनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाते हैं. तो इसके अंदर देख लेते हैं. वैलिड when the parties enter into the contract but later become unenforceable by law, तो पहले का आंसर हो जाएगा सी. सेकेंड, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि किसी भी लॉ को वायलेट करते हैं.
तो कोई लॉ को वायलेट करने वाले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्मगलिंग। तो इसके अंदर देख लीजिए, एन एग्रीमेंट दैट लीड्स टू वन और मोर पार्टी ब्रेकिंग अ लॉ। टू का डी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि अगर हमने किसी के साथ फोर्सफुली कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है तो वो वॉइडेबल होता है, क्योंकि वो इनफोर्सिबल ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी होता है, नॉट ऑन द बोथ पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री का बी। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, थ्री का बी। और थ्री का बी, इनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वन और अदर। अगर एक पार्टी के बेसिस, एक पार्टी इसको इन्फोर्स करवा रही है लेकिन दूसरी पार्टी का कंसेंट नहीं है इसमें, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये होते हैं जिसमें हम खुद ही एंटर नहीं करते, हम विलफुली एंटर नहीं करते, हमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशन के थ्रू उसमें एंटर करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय कोर्ट ऑर्डर नॉट बाय द एग्रीमेंट मेड बिटवीन द पार्टीज। तो फोर का आ जाएगा ए। देख लेते हैं जरा, वन का सी है ए और डी में, टू का डी भी है, थ्री का बी डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्शन टू द जनरल रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम कहते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन कुछ उसके एग्जम्पशन है, जैसे कि अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, कोई कंपनसेशन दे रहा है कि इसने आपने कोई पास्ट वॉलेंट्री सर्विस दी है तो उसके बेसिस पे, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। प्रॉमिस टू पे पास्ट बियरर डेब्ट, कोई आपका पास्ट बियरर डेब्ट है उसको आप पे कर रहे हैं, तो वो भी का एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, 1, 2 and 3। द अनपेड सेलर इज हैविंग राइट अगेंस्ट बोथ गुड्स एंड द बायर, दोनों पे उसका राइट्स होता है, वो बायर को स्यू कर सकता है, गुड्स को रोक सकता है। कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी टू अ प्राइवेट कंपनी रिक्वायर अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो देखिए, अगर कोई आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो पास्ड बाय द मेंबर्स एंड विद द सेंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पास्ड बाय द मेंबर विद द सेंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस। पास्ड बाय द मेंबर एंड अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, नो। पास्ड बाय द मेंबर एंड अप्रूव्ड बाय द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हट भी चुका है अब ये एनसीएलटी बन गया है। और पास्ड बाय मेंबर एंड अप्रूव्ड बाय द ऑडिटर्स, नहीं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए, फ्री। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज रिपील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया तो उसने कौन से एक्ट को रिपील किया था, उसने रिपील किया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अगर आपने इनपुट पे टैक्स दिया हुआ है तो आप आउटपुट पे उस टैक्स को एग्जम्पशन ले सकते हैं ऑन पेइंग फर्दर टैक्सेस, क्योंकि आपने इनपुट पर ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है। तो टैक्सेस पेड ऑन इनपुट इसका आंसर हो जाएगा, टैक्सेस पेड बाय ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, नहीं। ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस पेड बाय सप्लाई टू द गवर्नमेंट, नो। तो इसका आंसर होगा टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स। आईएस कर्व स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इक्विलिब्रियम विच शो प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द कर्व इज। तो आईएस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, देखिए कुछ ऐसा होता है आईएस कर्व, और एलएम कर्व ऐसा होता है। द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, तो फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच थे जॉर्ज एल्टन मायो। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई हैं जो काफी कंफ्यूजिंग होती हैं, जॉब रोटेशन, जॉब डिजाइन, जॉब इवेल्युएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब इनरिचमेंट। इन सब में डिफरेंस क्या होता है आप एक बार यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए जॉब रोटेशन क्या होता है, जॉब रोटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी वर्कर को एक जॉब से रोटेट करके दूसरे जॉब में डाल दिया जाए। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, अगर कोई वर्कर है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उसे रोटेट करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है तो वो जॉब रोटेशन कहलाएगा। जॉब डिजाइन क्या होता है, जॉब डिजाइन बेसिकली एक आउटलाइन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क के अंदर लेके आता है। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि वो एडवर्टीजमेंट कराए, प्रमोट करे गुड्स को, और एचआर डिपार्टमेंट का काम है वो रिक्रूटमेंट करे, सिलेक्शन करे, ट्रेनिंग दे। तो ये जॉब डिजाइन होता है। जॉब इवेल्युएशन क्या होता है, जॉब इवेल्युएशन के अंदर हम किसी भी जॉब को इवेल्युएट करते हैं कि उसकी रिलेटिव वर्थ क्या है, सो दैट उसके बेसिस पे हम कंपनसेशन कितना देना चाहिए वर्कर को ये हम डिसाइड कर पाए। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन ये डिस्क्राइब करता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं किसी भी काम के लिए। जॉब स्पेसिफिकेशन आपके टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करता है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए इस जॉब के लिए, तो ये सब जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। जॉब इनरिचमेंट एक बेसिकली प्रोसेस है जिसके अंदर जॉब को मोर इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनाया जाता है जिससे कि वर्कर्स को और मोटिवेशन मिल पाए काम को करने के लिए। आप इसको देख सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।